बजाने। राम राम। एक कहानी बताऊं अब वही बावड़ी सास बहू की। पसंद आओ तो सब्सक्राइब करियो, कमेंट करके जरूर बताइए। दो सासू बहू थी, सीधी शादी थी दोनों, मिलजुल के आपको काम कराया करती। तो उनकी एक दिन सासू गई बाजार में, तो बहू खतर साड़ी ले गई। बहू सा घर में दोनों मिलजुल की तो रहा करती, एज प्रेम तो दोनों सासू बहू को। तो सोची बढ़िया साड़ी लागी बाजार में, ले चल बहू खतर सुतरी लागेगी पर ली। तो वह साड़ी लेके न आ गई घर में, माँ की नहीं बोली बहू इसने पर की दिखा साड़ी में, मैं तेरे खतर ले आई सुना। तो सास बहू राजी होगी साड़ी ले आई सासू, जाके नर पर खतर नहीं गई। इतनी बार में सासू की बाण आ गई, बाण में खुड़का बजाई घंटी, देखा तो बाण खड़ी। दोनों बाण बाथी मिली राजी खुशी, क्यों कराण हो यो, बोले तू तो जा कौन काम में कदे मैं आ गई तेरे ते मिलने। तो वह बाण बोली पहली बताओ स्टेशन पर खिंदा दी ले आन छोरा ने, दुखी कौन हो भाई। तो वह तो उसने आराम आराम तो बोल रहा जी मन थे भाई बाण दुखी होगी आन दी बता दे तो लिया भाई प्यार प्रेम ते बोल रहा प्यार प्रेम ते बोल रहा। वह दोनों बोले आज तू भीतर बैठा हुआ भीतर गई, इतना वह बहुत छाड़ी पर की आ गई सासू ने आपकी दिखाने खातर उसने के बोल था मुसी बिहारी बिहारी से। हाँ तो उन छाड़ी ने देख की नरवा मुसी बोली बहू की तो जास के बोली ना कितना कौन जा मैं। तो वह फिर उनकी सासू बोली यह छाड़ी तो जी मैं ले आई थी बाजार में गई थी आज और मेरे यह छाड़ी पसंद आ गई तो बहू खातर मैं ले आई और बहू पर ले ला। तो उसका तो होगी बस घाट बात है कि ये तो सासू बहू बहुत एज प्रेम तो रहे और इसी एज प्रेम तो रहनी चाहिए नहीं। तो उसने क्या करो वह जित को बोली ने वह खेदा दी जा भाई त्रिमोसी आई है चा पानी बना लिया वह चली गई जित कस है। हाँ तू तेरे बहू में शीशा पर क्यों डरा है इसने कमे कमे चीज ले लिया की दे महंगी साड़ी क्यों लिया की दी थी इसने पच्चीस सर फोड़ दिया जिम्मे बोली ना बहू से सुतरी लाग गई मेरा हंड है आंगन में पहले। तो मन मन में सोचे आगे जुगल जोड़ी तो तोड़नी पड़ेगी ना तो उन्हें देख के प्रेम नारों का पेट में दर्द हो गयो ये नारी नारी क्यों कर पट रही है दो राजी राजी क्यों कर रहे से क्यों रहे से। पास सोचा कि मैं आ गई भी न तोड़े बिना जा को नहीं अलग अलग पाड़े बिना बुराई करवाए बिना पास है चली गई बाकी कुत्ता देख दे के मैं को धपो उन क्रास को करन के बस की जाए। तो फिर मैं बोली जाके ने वो बाबा तो चली गई बनावने मतलब चा पानी रो है चा पानी पी के आकी नहर पास है। फिर वह एक दिन बाजार में चली गई सब्जी सब्जी लेने जाया करती हूँ बहू की सासू थी वह तो बाजार में चली गई बाजार में चली गई। तो उसने सोची बहू आज एक ली से आज कर दे काम शखा दे गई रसोई खाना बनावा थी। बोली बहू की क्या लग रही से बोली मुसी खाना बनाओ सो आलू का परांठा बनाओ बोला पट तो बहुत बढ़िया आ रही से बोली तो आलू का परांठा बनाओ सो मुसी। फिर बोली हाय बहू मैं तो जिस दिन तक आई हूँ तो सारा दिन काम का लागी रह सर और तेरे पसीना आए को सुखा थोड़ा बहुत काम तेरे सासू कन भी करवा लिया कर एक ली लागी रह जी देख वो तो बहू आसी। फिर बोली मैं करन लाग रही हूँ सी मेरा होती अस्थि रे माँ जी कन काम क्यों कराऊँ माँ जी कन कौन कराऊँ मैं तो आप पक दी बोली जी बोली तू तो तेरे सासू के बारे में नहीं सोचा है और मेरी तो सह बाण पर सहवा कसूती खोटी मेरा गनी बोली आके मेरा तो जिस दिन ते मेरे बहू आई सा ना घर में उस दिन ते मेरे एक नौकरानी को खर्चो बच गए नौकरानी की जगह मेरे तो बहू आ गई नौकरानी की जगह काम करस नौकरानी को खर्चो बच गयो ना तो नौकरानी दीनू पड़िया कर तो खर्चो। तो बहू ने सोची माँ जी ने मेरे बारे में न्यू कही जी ने बोली हाँ न्यू ही कही मैं के बहू झूठ बोलूँ मेरी तो बाण सेवा बाण की मैं कट्टी करूँ
परमन तो तेरा पर दया आ गई ताकि देख बेचारी बहु की कल बिरानी जाई दुखी हो रही सर मेरी बाण सहे सी मैं तो उनका दे तो जानो सू छोटी थी जितते ही तब बहु कवा कह काकी ना कति सही जता दी बहु तो होगी फिर हाँ करड़ी करड़ी तो नुकरानी बना दी देख मैं तो प्रेम भाव तो सासू की सेवा करूँ और सारो काम करूँ सासू मन नौकरानी समझ और आपकी बाणा गई मेरी कटती करे तो बैठ गया अपना गुमसुम होके आपका कमरे में क्यों करा थी फिर वह काम उस मन तो काम थोड़ी होगा फिर वह आई बाजार तो लेके सब्जी सब्जी आई तो बाबा ठीक है बना देखा टीवी में तो एक ना तो भड़काए आई थी यार दो काम तो करे दिए आपको आप दो रह रहे तो अपने वह देखते ना तुम आंद क्या जिन्हें कोई नहीं कहा हार क्या तो वह बोली ए मैं तो हार गई कती जी बोली जी तो जान बुझ की दुखी हो रही सर बोली क्या थे बोली तू बहू का आगा आगा कोई तो की साड़ी लिया की देश है कोई सब्जी लिया की देश है तन वह कति सर पर बैठा रखी सर तिर बहू और तिर बहू तन कि मैं कौन समझ तेरा पड़ोस में आज तू जाया पाछा की पड़ोस की एक सहेली का कंधी सुनी मैंने आकर मेरा घर में तो मेरे सासू का रत्ती मन नौकराने की जरूरत को मेरे सासू मेरे नौकराने की जगह काम करे सर अरे तन्ना भाई सी अच्छी लगा बोली ना मेरी बहू तेन कहे ना सके कहते जची को जिन्हें बोली मैं के झूठ बोलो सु मैं तेरी बाण ना सुन बाण हो कि मैं के झूठ बोलूंगी बाण का अगर उनका कति फेट जता थी कति फेट जता दी तो जचगी उनका जचगी तो इनने तो सासू मुँह फुला दी इन बहु मुँह फुला दी दोनों बैठी मुँह फुलाई अच्छा एक दिन बोली चल बाजार में चाहे कई दिन हो गया वह मुस्सी बोली बाण है सासू की थी वाह बोली मन तो बाजार को देखे सब गए को चल बाजार में जाए मन तो बनाए दिन हो गया बाजार में चलांगा जिन वहाँ बोली चल तो बाण बाजार में चल पड़ांगा डट जाए एक बार मैं बहु कन रुपया लिया बाजार में चलांगा मैं बहु कन रुपया लिया तो गई बोली फिर जब फिर कदी शुरू भटकानी बोली जा तू किसी सासू से बहू का कल रुपया मांगेगी तू ठीक के कह सा तेरी बहू आके मेरे सासू तो नौकरानी से तो नौकरानी ही का डाल रखा है पैसा भी बहू कने से है पैसा ही चौधर भी उसके कने से तेरे कन के चौधर से तू तो सब्जी लिया और अपने घर को काम करे आराम कर नौकरानी वाला ही काम करा के तेरी बहू तेरे साथ तो तू तो नौकरानी चौधर तो बहू की चौधर तो बहू की सर पिया बहू कन से चौधर तो बहू की है तेरे कन के से भड़का दी तब आ गई लाल पीली हुई अग बहु तनी खड़ी है थी जानती हूँ मांगा रुपया बोलिया तिजोरी की रुपया भी मांगा करती ना तो और उसने मांगी तिजोरी की ताली बहु ने बोली लिया तिजोरी की ताली दे जी दे वह भी अकड़ गई बोली कौन जी तिजोरी की ताली दोनों रंड मुंडी लग गई कहना आपस में वह उनको भैया नगाड़ दे वह उन कान दे पीर नाड़ लग गई बचा दियो दोनों दोनों लग गई और मुस्सी के करे अपने कोड़ा सारा सुनी सुन के ना रास्ते खड़ी खड़ी कर दियो मन अन को दोनों को इलाज पार्टी वाड़ा कर दिया मगन हो रही बोले राजी राजी रहा करती मैं जिस घर में चल जाऊँ उस घर में राजी राजी रह जा या तो ये नहीं सका तो वह आस है और वह दोनों बुरा इतनी बार में उनको बेतो आ गई बुढ़िया को बेटे तो वो उसने निभा करी दोनों जनी खूब लग रही से तो ये आज घूमे कि उसे सारी बार राजी रहा करती आज उसी के बाद होगी कि ये घूमे फिर उसकी मुसी बने ना पड़ी अब मुसी खड़ी खड़ी आस है और सुन ऐसे जब मुसी सही तो वो तो उनके बीच में पावे और उन्हें रुक कहे भी समझावे भी बोलो मत अब मुसी आस है तो उसकी ना पड़ी मुसी का नहीं तो चुपचाप आके ना और मुसी की बहू कल फोन करती है
मुसी ना आखिन मार कर मनी नु रोड़ो मचवा दियो और तारी ने उल्टी ले जा आखी पूरा आ जा और इसने उल्टी ले जा और तो मार घर को पार्टी वगैरह करवा दिए करवा दिया मारे के मकान को नहीं मारे घर की शांति भंग कर दी। सूत्र डाल गया करती मारे सुख शांति पर आया करता हमारे आके न दूसरी ने बेगल कर दिया कलेश मचवा दिया इसने आ जा और इसने ले जा। तो उनकी बहु दरकी फोन रहे आई गम मत गम हम रहा करता सर माल आई तो आकी देखा सासू बैठी अपना रिमोट लगी हाथ में टीवी का गए और मजे ते मचवा की गुलाई सासू बुआ की बेचारी ने पड़ी कोनिया में वा अपना मरोड़ में वाई न मरोड़ में पड़ी वाई नर वा अपना मजे ते देखा टीवी देखे। हाँ तो देखी हूँ कि बहुत मारी डांट बोली माँ जी नहीं पति मैं तीर्थ यात्रा पर जाएंगी और तू आके ना बैठ गई बोली ना बहू मैं तो आज आने वाली ये थी बोली आने वाली कित थी टीवी देखा अब तुम दूसरे के घर में कलेश मचवाया गया ना तुम इसी शांति तो रह नहीं इसका कि तेरे घर में तो रहने को नहीं सुखते और वो किसी ने को नहीं दे दे हाँ अरे दर्द है चल मेरे साथ अरे यहाँ तो बढ़िया हुई भाई साहब ने फोन करके मेरे ती बता दी आके मारे घर में लड़ाई मचवा रखी है मुसी कर दी और सारी करतूत बता दी ना मुन्ने के देर पट्टा और तू उनके घर में कलेश रखा है और मन्ने बेरो कौन पट्टा है अपना तो रखे करती अपना तो रखे करती बहू आशा ही थी वासी भी बना दी। तो जिद उनकी ये बात सुन के ना उनका दोनों सासू बहुआ का समझ में आ गई आके ये सारा कर्या कुकर्म में हम उसी का से बहु का भी आ गई और सासू का भी कि मेरी बाण ने बिगन करया से उनका बताई सासू बहुआ को सारी हैं उनका दोनों का आ गई समझ में बात है। तो कई सुनी कच्चा कान नहीं रखना चाहिए अपना अपना कान पक्का रखा है किसी की कई सुनी बात पर ध्यान नहीं दे और मुस्सी हो बाण हो कोई हो घर में शांति तो रह तो बहुत बढ़िया और ना उसकी बात मान की न घर की शांति भंग नहीं करनी चाहिए किसी ने भी सब मुस्सी भी एक सी कोनी सब बाण भी एक सी कोनी सारा सारा बाण भैया ने राम राम। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।